तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो आपका स्टेंस क्या रहना चाहिए। स्टेंस बेसिकली होता है आपके दोनों ही लेग्स में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। स्टार्ट करो, हमेशा याद रखना, स्टार्ट, कम ऑन, कीप गोइंग। हमेशा याद रखना, जब आप स्क्वाट्स करते हो तो आपके जो लेग्स हैं वो आपके शोल्डर विड्थ पर होने चाहिए, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। रीजन बीइंग, जब आप स्क्वाट्स को परफॉर्म करते हो तो आपका जो फीमर है एंड जो आपके टिबिया एंड फैबुला है वो एक दूसरे के ही नीचे रहने चाहिए। अगर आप ज्यादा वाइड स्क्वाट्स कर लेते हो, ज्यादा वाइड अगर स्टेंस कर लेते हो, स्टेंस वाइड करो, और वाइड, कम ऑन, गो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस स्टेंस में आपको एक प्रॉपर डेप्थ नहीं मिलती है, एंड सेकेंड थिंग, आपकी जो नीज है वो इनवर्ड आती है। कम ऑन, What I want to say is कि आपका जैसे ही हैवी वेट होगा आपके नीज अंदर की तरफ तक होंगे। कम ऑन, स्टैंड अप। यस, तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जो आपका स्टेंस रहता है ऑलवेज रिमेंबर आपके शोल्डर विड्थ पे रहना चाहिए। अगर आपका स्क्वाट फेल भी होता है तो उस सिनेरियो में भी आप सेफ रहते हैं। स्टार्ट, सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि कम ऑन, कीप गोइंग, आपके फीमर, टिबिया एंड फेबुला एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, और शैल आई से आपका नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड हिप जॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। कम ऑन, ओके, ग्रेट। सो होप आपको ये समझ में आया होगा।